हेलो बच्चों, चौनी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ दिव्यांगों की आवश्यकता के विषय में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लर्निंग आउटकम्स BS 314 अपने आसपास के पौधों, जंतुओं, विशेष आवश्यकता वाले तथा विविध पारिवारिक व्यवस्थाओं, रंग रूप, क्षमताओं, पसंद नापसंद, भोजन तथा आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। इन सबको हम इस आउटकम लर्निंग EBS की 314 में हम देखेंगे, जिसकी विषय वस्तु और अवधारणा के विषय में जानने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, दिव्यांगों की आवश्यकता की विषय वस्तु एवं अवधारणा है। रवि भैया मेरे पड़ोस में रहते हैं, वे बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, उनके पास ढेर सी जानकारियाँ रहती है, खूब हंसते हंसाते हैं, खुद छड़ी लेकर घूम भी लेते हैं। उनकी सहजता देख कोई भी नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता। हम लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि रवि भैया इतनी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक दिन जब हम उनके कमरे में गए तो देखा कि वे टेप पर कुछ सुन रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि वे जो कुछ सुनते थे वह उन्हें याद हो जाता था। रवि भैया ने इसी तरह सुनकर अच्छी पढ़ाई कर ली। इन दिनों उनका चयन कॉलेज में प्राध्यापक पद पर हो गया। इसी के अंतर्गत देखेंगे अभ्यास वर्ग 1। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, यहाँ दिव्यांग व्यक्ति जो है ट्राइसिकल में बैठा हुआ है और उनके मित्र उनके साथ में कैसे सहयोग कर रहे हैं, इसी का अवलोकन करेंगे हम। तो रामू की कक्षा में एक छात्र दिव्यांग है, वह चल नहीं सकता, उसका नाम राहुल है। राहुल व्हील चेयर से विद्यालय में आता है। रामू और उसके साथी राहुल के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं और साथ साथ पढ़ाई करते हैं। सभी राहुल की आवश्यकता पढ़ने पर पूरी मदद करते हैं। राहुल भी रामू और अन्य साथियों के साथ बहुत खुश रहता है। राहुल कभी भी यह महसूस नहीं करता कि वह अन्य साथियों से अलग है। इसका जो विश्लेषण कार्य हम देखेंगे तो मित्रतापूर्वक व्यवहार में राहुल को अपने साथ शाला ले जाते हैं, पढ़ाई में राहुल की मदद करते हैं, सब आपस में साथ खेलते हैं, दोपहर में सब साथ मिलकर के भोजन करते हैं। आपके आसपास या विद्यालय में कोई दिव्यांग छात्र है तो जिस प्रकार रामू एवं उसके साथियों ने राहुल के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया, उसी प्रकार आप अपने प्रयासों को लिखें। तो हम यहाँ प्रयास लिखेंगे कि आप जो है अपने ऐसे व्यक्ति की सहायता कैसे करेंगे। तो हम भी दिव्यांग व्यक्ति की हर संभव मदद करेंगे, हम ऐसे व्यक्तियों के साथ में साथ साथ पढ़ाई करवाएंगे, दोपहर का भोजन साथ साथ करेंगे। ऐसे व्यक्ति कभी दिव्यांगता की कमी महसूस नहीं होने देंगे, हम हमेशा उन्हें खुश रखेंगे, इस प्रकार के हम प्रयास करेंगे। अब इसी के अभ्यास 2 में देखेंगे, यहाँ पर विश्लेषण कार्य है। यह घायल कुत्ता है, इसकी सहायता के लिए हमारे प्रयास होना चाहिए। सोचो और लिखो कि क्या हम इसकी सहायता कर सकते हैं। यह घायल कुत्ता है, इसकी सहायता कैसे करेंगे, इसके विषय में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। नंबर 1, हम इसकी देखभाल करेंगे, हम इसकी पट्टी बदलेंगे, इस प्रकार से। और आप अलग से और क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमने लिखा है कि हम समय में उसे भोजन देंगे, हम उसका इलाज अच्छे से करवाएंगे, हम उसकी समय समय पर मलम पट्टी करेंगे, हम उसे समय समय पर पानी पीने हेतु देंगे, हम कुत्ते को पर्याप्त समय देंगे, इस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। अब इसी के अंतर्गत अभ्यास वर्गशीट है। भेल रिपी शीट को ध्यानपूर्वक देखिए और पता कीजिए कि इसमें उभार बनाने का मुख्य कारण स्पर्श से पहचान होना है। दिव्यांग व्यक्ति क्या है, जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए भेल लिपि बनाई जाती है, जिससे वह है हाथों के स्पर्श से शब्दों को पहचान सके, इस प्रकार से भेल लिपि में उभार बनाया जाता है। भेल लिपि को स्पर्श कर कुछ अक्षर पहचानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमने जब स्पर्श करके देखा तो का खा गा धा इत्यादि प मा ना धा, और भी जो है हम जैसे जैसे स्पर्श करेंगे तो वैसे हमको इसमें
शब्द जो है पहचान पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट कार, तो आइसक्रीम की लकड़ी की सहायता एवं पहियों से व्हील चेयर बनाई है। तो यहाँ देखें हम आइसक्रीम की लकड़ी से कैसे व्हील चेयर यहाँ पर चित्र में बनाया गया है। तो इसी तरह बच्चों आप भी कोशिश करेंगे और ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे दो, अपने घर में आँख पर पट्टी बांधें और महसूस करें कि दिव्यांग बालक को कौन कौन सी घटनाओं का सामना करना पड़ता होगा। निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो अपने आप में एक पट्टी बांधें और ऐसे विचार करें जैसे भोजन करते समय क्या विचार आता होगा, तो रोटी का साइज एवं कौन सी सब्जी बनी है ये विचार हम आता होगा। खेलते समय गिरने का भय रहता होगा। नहाते समय पानी एवं साबुन छूटने ढूंढने पड़ेंगे। अपनी माँ से मिलने के समय माँ को देखने में समय लगेगा। चलते समय ज़मीन के गड्ढे की तरफ ध्यान देना होगा, इससे समस्या होगी। तो इस प्रकार हमने इसको महसूस किया। अब इसके बाद देखेंगे हम स्व आकलन वर्कशीट। तो आप रास्ते पर जा रहे हो और आपको एक दृष्टि बाधित बुजुर्ग मिले तो हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, उसको सड़क पार करने में परेशानी हो रही है, उसका व्यवहार आप उसके प्रति किस प्रकार होना चाहिए सोचो। तो इस चित्र में देखेंगे हम सड़क पार करते हुए एक बुजुर्ग जो है महिला सड़क पार करते समय दृष्टि दे उसको किस प्रकार से सहायता बालक के द्वारा की जा रही है। तो हम दृष्टिबाधित बुजुर्ग को हाथ पकड़ करके सड़क पार करवाएंगे। ऐसे व्यक्ति को आदर सम्मान के साथ व्यवहार कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे। इस तरह से हम कार्य करेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी ब्रिज कोर्स की प्रोजेक्ट वर्कशीट जिसमें हमने कार्य किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले विषयों में की वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।